वो शाहरुख यहाँ पर है और एक अनिकेत भी शाहरुख बने थे, है ना? तो जब हम शाहरुख की बात करते हैं तो फेवन में शाहरुख की रोमांटिक लाइंस, उनका जो रोमांस है वो हम कैसे भूल सकते हैं। तो क्यों ना ये तीन शाहरुख खान के साथ एक टास्क किया जाए जहाँ पर ये आपको इम्प्रेस करे डायलॉग्स के थ्रू। पहले मैं चाहूंगा कि गीता मैम एंड सोनाली जी आप प्लीज मंच पर आ जाए, तो मैं आपको ये फूल दूंगा ये सारे, आपको इन्हें जज करना है कि इन्होंने अच्छा किया, और अगर अच्छा किया तो फिर आप इन्हें फूल दे सकते हैं। जाइए विपुल। एक मर्द अपना सर सिर्फ तीन औरतों के सामने झुकाता है, एक अपनी माँ, एक दुर्गा माँ और एक गीता माँ। ओहो। एक और बार बेटा, एक और बार, जो तुम बकरी की तरह मिमने आए हो। कौन कमबख्त यहाँ? कौन व्हाट? कौन कमबख्त यहाँ? जीतने को नाचता है, हम तो इसलिए नाचते हैं ताकि हम वहां बैठ सके और आपकी स्माइल को देख सके। और वन सेकंड, तुझे खुद को सुनाई दिया तूने क्या बोला है? खूबसूरती को बर्दाश्त कर सके। अरे इसे बर्दाश्त कर रहे हम लोग इस डायलॉग को, और तुझे एक सेकंड, मैंने शाहरुख खान कहा था देवानंद नहीं, ये वो उसका भी क्रॉस है ये देखो। अच्छा लगा, सुनाई दिया क्या भाई साहब? मैं मुझे नहीं लगता कि ये इनसे कुछ हो पाएगा भैया। हम लोग ये लेके जाएं क्या? हो नहीं रहा? नहीं, आप कैसे भूल सकते हैं कि हमारे पास एक और शाहरुख है। हाँ। और जो लेट लेट बताएंगे कि रोमांस कैसे होता है। भैया पठान बने हो ना? सॉरी इट्स डॉक्टर टी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरे होठों की बेपरवाह गुस्ताखियां, मेरे लंबे लंबे कमेंट्स पे लेना तेरा उबासियां, तेरा मेरी हर गॉसिप को बना देना सुर्खियां। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है आई बी। क्या बात है यार। I have to say, इस डायलॉग के लिए मेरी तरफ। ओह थैंक यू। हमारा चलता रहेगा बेबी। एक बार जोरदार ताले बजाए टेरेंस सर के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट। बकरियों को मेरी तरफ से। जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। मेरे प्यारे से शिवम, तुम्हारी पार्वती कब मिलेगी तुम्हें शिवम? प्रॉब्लम वही है कि ये मोगैम्बो तो हर लड़की से खुश होता है। वाह। बट मेरे लाइफ की मोगैम्बो लड़की है जो कभी मुझसे खुश नहीं होती। तो अभी मैं क्या करूँ मैम? देखो जय जो है ना, ही फील्स फॉर पीपल लाइक दिस, तो ये ढूंढ के लाया होगा 100%। नहीं नहीं 100%। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे इतने सारे डीएम्स आए हैं। वाह।
कि वो शिवम से मिलना चाहते। तो चलिए फिर मंच पर वो पांच लड़कियां प्लीज आ जाएं, जोरदार तालियां हो जाए। सुंदर सुशील, प्लीज वेलकम ऑल द फाइव ब्यूटीफुल गर्ल्स। बहुत सुंदर है शिवम, ब्यूटी ब्यूटी। तो चलिए फिर बराबर है, हाथ पोछा उसने। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छे हाथ है। आपका नाम नहीं पता मुझे, मुझे आपका नाम नहीं पता, बट आपके हाथ बहुत अच्छे, सिर्फ थोड़े से ना रफ है। तो मेरे पास और चार ऑप्शन है। बट शिवम देख ले, उसके हाथ रफ है क्योंकि वो बहुत घर में काम करती होगी। बट सर मालिश के लिए सॉफ्ट हैंड चाहिए। ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये तो बहुत ही सुंदर और सुशील भी है। शिवम इसके लंबे सीधे बाल हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। बट मैम हाथ पे भी बाल है, हाथ पे भी बाल है। अरे वो पागल, तूने छुआ ना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बट शी हैज ब्यूटीफुल हेयर शिवम। खूबसूरत है मैम। हाँ आई थिंक आप स्टैंड बाय पे ना, आप इधर साइड में आ जाओ। अच्छा मजा रहे, मजा है। ओके क्या? अच्छा है, इनके हाथ तो सॉफ्ट भी है। हाँ आई थिंक मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ आपको। बाल छोटे हैं लेकिन शिवा मतलब कंधे तक है। वो बढ़ जाएंगे, घर की ही फैक्ट्री है। ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। प्लीज जो पहले वाले वो बुरा मत मानना प्लीज। नहीं नहीं कोई बुरा नहीं मानना, मेरे को पता मिला नहीं, अभी मिल रहा है तो ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा वेरी गुड। भाई इधर तो सब फुल टैलेंटेड लोग है भाई, लेकिन अपुन इन लोग के बीच में यहाँ क्यों आए ले? वो क्या है ना सर्किट, ये लोग को टीवी पे देख के अपुन को भी डांस करने का भूत चढ़ गया है। लेकिन भाई ये डांस वांस तो अपने बस की बात नहीं है भाई, अपुन खाली पीली इन लोग के सामने आपकी इज्जत का भाजी बाला क्यों करे? डोंट वरी सर्किट, अपना पापो है ना अपने साथ, वो देख। हाँ भाई लेकिन बापू क्या बोल रहे ले भाई? बापू बोल रहा है कि अपुन का डांस एकदम सुपर हिट गाने पे फुल हीरो माफिक होना मांगता है। चल शुरू करते हैं, रेडी? हाँ भाई रेडी रेडी रेडी। ए सर्किट वो देख बापू क्या बोल रहा है। भाई आज ना अपुन के कान में थोड़ा लोचा हो गए ले, बोलो ना क्या बोल रहे ले बापू। बापू बोल रहा है कि इट्स टाइम फॉर मुन्ना भाई स्पेशल। ओके भाई बापू ने अगर बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। ए बजा रे। बोले तो 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 बीबी बोले तो। हाँ भाई बीबी बोले तो बी बोल। एस बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो एस बोले तो सुष्मिता। इस सर्किट वी आर जस्ट फ्रेंड्स आर। सॉरी सॉरी भाई, अरे हाँ एस बोले तो अपना स्वैग। गीता माँ के हिसाब से हमेशा वो कहती है कि नोरबू हीरो है हमारा। हीरो तो है लेकिन असली हीरो बनने के लिए मेरे हिसाब से यू नो हीरो को आइकॉनिक पोजेस आना जरूरी है, जैसे शाहरुख खान यू नो करते हैं, वैसे इनको भी यू नो बॉलीवुड का आइकॉनिक पोजेस अगर करवाए हाँ। तो कैसा रहेगा, मतलब कुछ सीख जाएगा लड़का ना? व्हाई नॉट जे, हीरो तो यहाँ पर है तो हीरोइन की भी जरूरत रहेगी ना। तो एनी गेसेस मैं किसका नाम लेने वाला हूँ हीरोइन का? नॉट एट ऑल, वी कैन नॉट गेस। प्लीज आ जाइए सुष्मिता, आइए आइए आइए। रुपेश क्यों ना तुम मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। अरे हाँ।
रोल कैमरा एक्शन. सीखा बेटा, अब सेम चीज नोरबू मेरे साथ करेगा. ऑलराइट, एक्शन. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. क्या बात है यार जय, सुपर. ये होता है परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट. अंजलि की मम्मी, आपका नाम क्या है? भारती ममगाय. और आपका? मेरा नाम आना ममगाय. आहाना, आहाना. अंजलि, आहाना और आपका? आदिति. आदिति, आदिति, आदिति. भारती जी, हाँ जी, कैसा लगा अंजलि का परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा. आज दिन तो मैंने कभी देखा नहीं था इतना लाइव पे. आज बहुत अच्छा लगा. मतलब आपने पहली बार उसको? पहली बार देखा. ओह माय गॉड, सो स्वीट. आज दिन तक वो हमारे लिए करती थी, आज खुद के लिए कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे. 13 साल की उम्र से वो घर की जिम्मेदारी संभालती है, क्योंकि उसके पापा घर के खर्चे नहीं देते थे. तो सुबह स्कूल जाती थी और शाम को बच्चों को डांस क्लास देती थी. 2 साल के बाद उसके पापा ने हमको घर से निकाल दिया था. हाँ, फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी. उसने पूरा टाइम तब जॉब किया. अपनी पढ़ाई तो कर नहीं पाई, पर अपने बहनों को पूरा जितनी भी खर्चे पानी जो भी होता पूरा करती थी, घर का भी पूरा करती थी. मैं तो कर नहीं पाई क्योंकि मेरे ऑपरेशन से हुई थी बेटी. मैं इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं कुछ जॉब हो कर पाऊँ. तो बेटी भी कहती थी मेरे को कि मम्मी तू कुछ नहीं करेगी, जो करूँगी मैं करूँगी, जितना कमाऊँगी जो भी लाऊँगी तो घर को देख, बहनों को देख और उस पे ही चला ले खर्चा. और तू चिंता मत कर, तू नहीं करेगी जॉब. इसीलिए कहती हूँ अंजलि को शेर बच्चा है. थैंक यू मैम. हमेशा हंसती रहती है. हंसती रहती है ये. कोई भी परेशानी आती है तो वो कभी दुखी नहीं होती है. इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर वो हमेशा खुश रहती है. वैसे तो मैं मम्मी को, मम्मी का मैं अपनी बड़ी बहन ज्यादा समझती हूँ. तो मतलब मम्मी को ऐसा फील नहीं होने देती कि मम्मी है तो शायद जिम्मेदारी उठाएंगी, तो ऐसा नहीं. मम्मी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह है. आपके हाथ में कुछ नजर आ रहा है शेर बच्चे के लिए, कुछ लाए हो? नजर कब से वहीं पर है. मेरी अंजलि को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं घर से बना के लाई हूँ. हाय हाय, क्या बात है. मेरे पास मेरी दीदी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है. क्या बात है यार, सो स्वीट. आदित्य, मम्मी के बातों से मुझे एक ही चीज कहने का मन कर रहा है कि इंडियाज बेस्ट डांसर तो हमें बहुत टाइम बाद पता चलेगा कि कौन होगा, लेकिन इंडियाज बेस्ट डॉटर तो शायद आप ही के पास है. अरे क्या बात है. मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक आइकॉनिक फिल्म का गाना चूज किया है, हम दिल दे चुके सनम फिल्म का नाम है. आपने ये फिल्म देखी है? नहीं देखी. एक्चुअली मैं ये अंडरग्राउंड करते करते मेरा पूरा जॉनर ही सिर्फ इंटरनेशनल गाना हो गया, तो मैं देखा ही नहीं अभी तक. ये प्रॉब्लम सिर्फ यू नो आई थिंक बूगी की नहीं है. आई थिंक यू नो ये जितने भी यंग जनरेशन है वो ज्यादातर मैंने देखा है कि अपने खुद की हिंदी फिल्म्स देखना बंद कर चुके हैं, ज्यादा बॉलीवुड फिल्म्स नहीं. उनको पता ही नहीं, आधे लोगों को ये नहीं पता कि शोले किस चिड़िया का नाम है. आर यू सीरियस? यस, अ लॉट ऑफ दिस जनरेशन डज नॉट नो शोले.
उनको ये पता नहीं है कि कौन से एक्टर्स थे उसमें. मैं कहूँ होंठों पे ऐसी बात सबने सुना है, किसी को ये नहीं पता होगा कि उसमें कौन एक्टर्स थे. पूछ के देख लीजिए. किसी को पता है? सुष्मिता बता दीजिए कौन है एक्टर और एक्ट्रेस. रेखा. बहुत अच्छी, बहुत वेल डन, वेल डन सुष्मिता. बहुत अच्छी बात है. और कोई है? गेस करो. हेलन जी. हेलन जी, वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस. और नेक्स्ट, और कुछ? कोई और है? विजयंती माला. क्या बात, बहुत अच्छी बात है. अनिकेत, किसने बोला ये तुझे? पंकज ने. पीछे से किसने आवाज दी? इन लोगों ने सर्च किया इंटरनेट पे. वेरी गुड, वेल डन. एक काम करते हैं यार, ये प्रॉब्लम है तो एक काम करते ना, यहाँ पर मैं ना सारे मेल कंटेस्टेंट्स को बुलाता हूँ. वेरी नाइस. और एक ट्रैक बजेगा, ठीक है? उनको उस गाने का आइकॉनिक स्टेप जो है वो उनको यू नो मैच करना है. आपको लगता नहीं कर सकता हमारे लड़के? नहीं कर सकते? हाँ, चैलेंज करिए. तो आ जाओ सारे लड़के, आ जाओ वापस इस मंच पर. आप सारे लड़के देखो आपको कैसे चौंका देते हैं. सबसे पहले परफॉर्म करेंगे विपुल. विपुल, कम ऑन विपुल. समर्पण, समर्पण. चलो देखते हैं. म्यूजिक. 18 बरस की कुंवारी गई थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी. हंसी गोरी, हंसी गोरी, चले गए चोरी, चले गए जोरा चोरी, चले गए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.